हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर एंड जीके। आज हम बात करेंगे नेशनल सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड की रिक्रूटमेंट के बारे में। दोस्तों, ये रिक्रूटमेंट आज निकली हुई है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको एग्रीकल्चर जॉब्स की अपडेट्स सबसे पहले हमारे चैनल पर मिलेंगी। दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, राष्ट्रीय बीज निगम की रिक्रूटमेंट आ चुकी है, जिसका आपको इंतज़ार था। तो जानते हैं पोस्ट के बारे में, कितनी पोस्ट हैं और क्या एलिजिबिलिटी होगी, कैसे आपको अप्लाई करना है और इसके जो क्वेश्चन पेपर हैं, सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से हम। दोस्तों, बात करते हैं पोस्ट की। तो मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोडक्शन के लिए 16 पोस्टें हैं, मैनेजमेंट ट्रेनी हॉर्टिकल्चर के लिए एक पोस्ट है, मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग के लिए 7 पोस्टें हैं, ऐसे ही एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए 4 पोस्टें हैं, क्वालिटी कंट्रोल के लिए 2 पोस्टें हैं। और इसके अलावा जो सीनियर ट्रेनी है एग्रीकल्चर, इसमें कुल 29 पोस्टें हैं, सीनियर ट्रेनी एग्रीकल्चर प्लांट प्रोटेक्शन में 3 पोस्टें हैं, हॉर्टिकल्चर में 1 पोस्ट है, मार्केटिंग में 10 पोस्टें हैं सीनियर ट्रेनी में, क्वालिटी कंट्रोल में 1 पोस्ट है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिप्लोमा में 4 पोस्टें हैं, ट्रेनी मेट एग्रीकल्चर में 18 पोस्टें हैं, ट्रेनी मार्केटिंग में 18 पोस्टें हैं, ट्रेनी एग्री स्टोर में 6 पोस्टें हैं। और इसी तरह दोस्तों, जो है आपका जो ट्रेनी मेट है, इसमें कुल जो है 3 पोस्टें रहेंगी। दोस्तों, बात करते हैं इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में। तो दोस्तों, जो ट्रेनी मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोडक्शन की पोस्ट है, इसके लिए आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर प्लस एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट या एमएससी एग्रीकल्चर विथ स्पेशलाइजेशन एग्रोनॉमी, सीड टेक्नोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, ये आपके पास होना आवश्यक है विथ 60% मार्क्स, और आपके पास जो कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। जो दूसरी पोस्ट है मैनेजमेंट ट्रेनी हॉर्टिकल्चर की, इसके लिए आपके पास बीएससी हॉर्टिकल्चर, एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट या एमएससी हॉर्टिकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर विथ स्पेशलाइजेशन इन हॉर्टिकल्चर होना आवश्यक है। मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग के लिए बीएससी एग्रीकल्चर प्लस एमबीए इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग या एमएससी एजी की डिग्री होना आवश्यक है आपके पास। दोस्तों, इसी तरह से जो मैनेजमेंट ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल है, इसके लिए आपके पास एमएससी एजी की डिग्री विद स्पेशलाइजेशन इन एग्रोनॉमी, सीड टेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स होना आवश्यक है। और दोस्तों, इसी तरह से जो पोस्ट इंजीनियरिंग वालों के लिए है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वालों के लिए, उनके लिए बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होना आवश्यक है। और जो पोस्ट सीनियर ट्रेनी की है, इसमें आपके पास जो है एमएससी एग्रीकल्चर होना आवश्यक है, स्पेशलाइजेशन आपके पास एग्रोनॉमी, सी टेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग या जेनेटिक्स में होना चाहिए। सीनियर ट्रेनी एग्रीकल्चर प्लांट प्रोटेक्शन में आपके पास प्लांट पैथोलॉजी में एमएससी होना आवश्यक है या एंटोमोलॉजी में एमएससी होना आवश्यक है। सीनियर ट्रेनी हॉर्टिकल्चर में आपके पास एमएससी हॉर्टिकल्चर या एमएससी एग्रीकल्चर विथ स्पेशलाइजेशन इन हॉर्टिकल्चर होना आवश्यक है। सभी में आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। सीनियर ट्रेनी मार्केटिंग के लिए आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर प्लस एमबीए इन एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट या एमएससी एग्रीकल्चर डिप्लोमा इन मार्केटिंग या एग्री बिजनेस होना आवश्यक है। दोस्तों, इसी तरह से जो अदर पोस्टें हैं, इनमें भी जो है कई में एमएससी मांगा हुआ है। दोस्तों, बात करते हैं जो पोस्टें बीएससी वालों के लिए हैं। तो ट्रेनी एग्रीकल्चर, इसमें अगर आपके पास बीएससी एजी की डिग्री है विथ 60% मार्क्स एंड कंप्यूटर नॉलेज इज मैंडेटरी, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ट्रेनी मार्केटिंग के लिए भी आपके पास बीएससी एजी होना आवश्यक है, और यहाँ पर ट्रेनी एग्री स्टोर के लिए भी आपके पास बीएससी एजी होना आवश्यक है, ट्रेनी परचेज के लिए आपके पास बीएससी एजी होना आवश्यक है। और जो पोस्ट है दोस्तों, इसमें ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल में भी आपके पास बीएससी एजी होना आवश्यक है, और ट्रेनी मेट एग्रीकल्चर, इसके लिए आपके पास जो है इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर या साइंस स्ट्रीम से होना आवश्यक है, बायोलॉजी की स्ट्रीम से होना आवश्यक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो ट्रेनी मेट के लिए। जो इसकी सैलरी रहेगी दोस्तों, ये देखिए इसमें दिया हुआ है, जो मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्टें हैं, इनके लिए आपको जो है 47,480 रुपीज़ पर मंथ
सीनियर ट्रेनी डिप्लोमा ट्रेनी के लिए आपके पास आपको जो है 26,114 रुपये पर मंथ, ट्रेनी के लिए आपको 20,179 रुपये पर मंथ और ट्रेनी मेड के लिए आपको जो है 19,586 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। बात करते हैं एज लिमिट की, तो एज लिमिट जो है 27 साल और ट्रेनी मेड के लिए 25 साल होना आवश्यक है। छूट मिलेगी एज में एससी एसटी ओबीसी वालों के लिए, इसे आप पढ़ सकते हो। दोस्तों बात करेंगे आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है पहले आपका राइटन एग्ज़ाम होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा और इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा लास्ट स्टेज, एग्ज़ाम फिर आपका इंटरव्यू फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों इसमें अप्लाई का मोड ऑनलाइन रहेगा, मैं आपको इसके पीडीएफ की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ चेक कर सकते हो और इसमें आसानी से अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप इसके जो डिफरेंट पोस्टें हैं उन सभी पोस्टों के हमने जो है शॉर्ट क्वेश्चन पेपर अपने साइट पर अपलोड किए हुए हैं, जो हमारा यूट्यूब चैनल है एग्रीकल्चर एंड जीके, हमने इस पर सभी क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हुए हैं। तो अगर आप उन पेपर्स को देखना चाहते हो तो आपको हमारे चैनल की नेशनल सीट कॉर्पोरेशन की जो प्लेलिस्ट है उसमें वो वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ से आप आसानी से उन क्वेश्चन पेपर को देख सकते हो, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसा पेपर आता है और कैसे आप अपनी तैयारी करेंगे। दोस्तों इसमें जो है मेंशन है कि आपका एग्ज़ाम अगस्त 2020 में होगा, बट ये डेट आगे बढ़ेगी क्योंकि ये होना बहुत ही मुश्किल है। और दोस्तों जो आपको अप्लाई करना है वो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको इस वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके लिए हमारी नोटिफिकेशन हेल्पफुल रही होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह की एग्रीकल्चर जॉब्स की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू।